टे <coughs> तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है की वेस्ट बेंगल के अंडर में इंजीनियरिंग में जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसका प्लेसमेंट दिन बा दिन क्यों खराब होता जा रहा है शायद आप लोग बहुत लोग ही नहीं जानते लेकिन हमारे जो वेस्ट बेंगाल में गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है चाहे वो जे हो गया के हो गया सी हो गया या फिर अदर्स जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है लाइक जो लेदर टेक्नोलॉजी कॉलेजेस कॉलेज है जो सीनेमिक टेक्नोलॉजी कॉलेज है रामकृष्ण महातो कॉलेज हो गया पुरीलिया गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गया तो ये जो कुछ कुछ बिहार गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गया तो ये जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है इनका प्लेसमेंट दिन ब दिन बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है तो इसके पीछे के रीजन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आई टी सी एस फील्ड में तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन जब भी हम इन इन, इन कॉलेजेस के कोर ब्रांच की तरफ आते हैं सिविल हो गया मैकेनिकल हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया तो इनका प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब बिलो एवरेज है तीन साढ़े तीन एल भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है बहुत बच्चे रह है तो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि जब भी आप कोई कॉलेज चूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप जाधवपुर जैसे टॉप कॉलेज को ना चूज कर रहे हैं तो जब आप कोई और कॉलेज आपको मिल रहा है तब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि कौन सा ब्रांच आप चूज करें जैसे कि केजीसी जेजीसी में कुछ साल पहले भी आप आसानी से कोर ब्रांचों को चूज कर सकते थे लेकिन अभी आप आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अगर आप जेजीसी या केजीसी में कोर ब्रांचेस लेना चाहते हैं मैंने जब के का रिव्यू किया था तो मैंने बोला था कि आप इलेक्ट्रिकल तक प्रेफर कीजिए लेकिन मैकेनिकल मैकेजीसी में प्रफर्ड नहीं है क्योंकि इन कॉलेजों में कोर कोर जो कोर्ट जो डिपार्टमेंट है वहां का प्लेसमेंट उतना अच्छा हो नहीं रहा है तो ये समझना थोड़ा बहुत ज्यादा जरुण जरूरी है अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है थोड़ा सा रीजन हो सकता है कि फंडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ है इसका कट ऑफ भी थोड़ा दिन ब दिन थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है मतलब बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे हैं को बहुत ज्यादा तो आपको क्या करना है आपको ज्यादा टेंशन जरूरत नहीं है अगर आपको जेजी के जीईसी में सी एस आई टी मिल रहा है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जा सकते हैं लेकिन इनका प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहा है अगर आप सी एस सी आई टी का प्लेसमेंट भी देखें तो मोस्ट ऑफ द जो मास रिक्रूटर्स कंपनी आते हैं वही हमारे इन कॉलेज में आ रहे हैं एक्सेप्ट की कुछ कंपनीज कभी कभी आ जाता है लेकिन घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा चॉइस फीलिंग आपको थोड़ा सा ठीक से करना होगा वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर रहा होगा तो चॉइस फीलिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा तो अगर आपको चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा फ्री में आपको गाइडेंस मिल रहा होगा जहां पे आप पियर के साथ डिस्कशन कर पाएंगे और पाएंगे और मुझसे भी सजेशन ले कि आपको कौन सा चूज करना होगा तो वो तो क्या चॉइस फिलिंग की बात लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन कॉलेजों में ना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है ना यहाँ पे प्लेसमेंट को लेकर ज्यादा कुछ अम्म मतलब आ, थोड़ा सा कुछ कोशिश किया जा रहा है कि प्लेसमेंट का इम्प्रूव किया जाए आ, हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी अभी रिसप्शन का टाइम है तो प्लेसमेंट तो बहुत ही घटा है इस बार कॉलेजेसों में लेकिन हम इम्प्रूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें सुधरेंगी आने वाले कुछ सालों में बहुत जल्दी चीजें सुधरेंगी लेकिन जेची सी के जी सी सी तक ठीक है लेकिन जब भी आप कोचबिहार या रामकृष्ण महातो या फिर पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कॉलेजेस के चूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियसली और ध्यान से आपको चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ऑप्शन पहले देखने होंगे कि उसके अलावा आपके पास क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं तो इन कॉलेजेस के थोड़ा सा चूज करना थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चूज करना है थोड़ा सा लोगों से सजेशन लीजिए हो सके तो वहां के किसी सीनियर से कांटेक्ट कीजिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सीव के ठीक है अभी भी लेकिन उनके कोर ब्रांच में जब भी आप घुस रहे तब भी आपको थोड़ा सा कॉशस रहना होगा तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा एक इन चेक दे सकूं कि थोड़ा सा क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे घट रहा है चीज है तो यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को यह बता देना बहुत जरूरी लगा कि क्योंकि आप कोई गलत चॉइस ना फिल कर बैठे या फिर कोई गलत टारगेट लेके आप ना बढ़े तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो